ऐसे देश भर में चल पड़ेंगी सभी ट्रेनें, रेलवे की तैयारी शुरू। नई दिल्ली, रेलवे ने कोरोना वायरस के कारण यात्री ट्रेनों को 21 दिन तक स्थगित करने के बाद 15 अप्रैल से अपनी सभी सेवाएं बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे के सभी सुरक्षा कर्मियों, स्टाफ गार्ड, टीटीई और अन्य अधिकारियों को 15 अप्रैल से अपने अपने कार्यस्थलों पर लौटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ट्रेनों का संचालन सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही शुरू होगा। फिलहाल रेलवे के ट्रेनों के साथ साथ प्राइवेट ट्रेनों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। 80% ट्रेन चलने की संभावना। सूत्रों ने बताया कि सभी 17 जोनों को अपनी अपनी सेवाएं संचालित करने के लिए तैयार रहने का संदेश दिया गया है। 15 अप्रैल से करीब 80% ट्रेनों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलने की संभावना है, जिनमें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनें शामिल हैं। स्थानीय ट्रेनों की सेवाएं भी चालू हो सकती हैं। ये भी पढ़े, माल ढुलाई पर रोक नहीं तो सामानों की किल्लत क्यों? 21 दिनों के लिए 13,523 ट्रेन निलंबित हैं। सूत्रों ने बताया कि इस सप्ताह के अंत में जोनों को ठोस कार्य योजना भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा 24 मार्च को बंद की घोषणा करने के बाद अभूतपूर्व कदम उठाते हुए रेलवे ने 21 दिनों के लिए 13,523 ट्रेनों की सेवाएं निलंबित कर दी थी। इस दौरान उसकी मालवाहक ट्रेनें चलती रही हैं। रेलवे के ट्रेनों के साथ साथ प्राइवेट ट्रेनों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये भी पढ़े, वैश्विक मंदी की शुरुआत भारत के लिए कितनी गंभीर? पहले ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता का कहना है कि 15 अप्रैल 2020 से मेल एक्सप्रेस के साथ साथ सभी तरह की पैसेंजर ट्रेन अपने समय से चलेंगी। इनमें EMU, MEMU, DMU और सभी तरह की सवारी गाड़ियां शामिल हैं। चलाने से पहले इन ट्रेनों की तकनीकी जांच कर ली जाएगी और सभी ट्रेनों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। प्राइवेट ट्रेनें भी चलेंगी। देश में कुछ मार्गों पर प्राइवेट ट्रेन चलाने वाली कंपनी IRCTC के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि उन्होंने आगामी 15 अप्रैल से सभी प्राइवेट ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ उन ट्रेनों में बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। ये भी पढ़े, यह इंश्योरेंस कंपनी मुफ्त में दे रही 5 लाख एक्स्ट्रा कवर। ट्रेन टिकट बुकिंग से कतरा रहे लोग। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में इस कदर भय है कि वह ट्रेनों के सफर से कतरा रहे हैं। आम दिनों में जिन ट्रेनों में टिकटों की मारामारी रहती थी, उनमें पूरे महीने रोजाना सैकड़ों सीटें खाली हैं। यहां तक AC एक्सप्रेस,